चांस भी है ना साला भी हेलो भाई साहब भाई साहब एक मिनट हाथ 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 ठीक हेलो जायज हाँ रफत भाई हाँ सलाम भाई एक मिनट जरा सलाम भाई सामने हो सामने सामने ठहरिया ठहरिया आप ला ठहरिया हो गए ठीक है
थोड़ा क्लीन करने के लिए कि बेटपुता बेटपुरा पार्क को क्लीन करने के लिए लाखों रुपए सेंक्शन करा है। अभी आपके सामने शातम तालाब के अंदर जो पत्ता रहता था, जिसकी वजह से जो मच्छर की तादाद बढ़ती थी, पिछले दो महीने से लगातार शातम तालाब हो या लंगरस का हुडा पार्क हो या हकीम पेट कुंटा हो या दीगर, अभी हकीम गुलगुंडा कटोरा उसको क्लीन करना बाकी है। इंशाल्लाह एक 10-12 दिन में वहाँ पर भी इस मशीनरी को लगाकर मच्छर को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करिए जेएचएल से। और ये जो ड्रोन है, मैं समझता हूँ हैदराबाद के अंदर एक 4 जगह पर थे GHMC लिमिट में, उसके बाद कमिश्नर साहब से नुमाइंदी करने के बाद जमात की तरफ से तो कारवां के लिए ड्रोन को और इन तमाम टीमों को दिया गया है। और ये ड्रोन 5 महीने तक लगातार कारवां में ही काम करेगा, जहाँ पर भी तालाब हो या नाले हो, जहाँ पर भी हो जरूरत है वहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। मैं GHMC की जानिब से जो भी इलाके के अंदर मच्छरों की तादाद बढ़ते जा रही है, अभी आपने पिछले 15-20 दिन तक जो लगातार शातम तालाब या नदीम कॉलोनी या शातम नगर विरासत नगर इन तमाम इलाके जात के अंदर मच्छरों की तादाद काफ़ी हो गई, उसको कंट्रोल करने के लिए GHMC इंटरमोलॉजिस्ट के चीफ इंजीनियर और SC और उनके AIs वगैरह तमाम यहाँ पर MD लाइन शातम नगर नदीम कॉलोनी में तफ्ती इंस्पेक्शन कर रहे हैं। और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ 7-8 दिन के अंदर मच्छर को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। और मैं इस मीडिया के जरिए तमाम से अपील करता हूँ, आपके इलाके में कहीं भी हो, क्योंकि जो तूफानी बारिश थी इससे हर गली के अंदर हर जगह पर पानी, गंदा पानी आने से कहीं बीमारियाँ फैलने की इम्कान है। और उसी इसको मद्देनजर रखते हुए अभी भी मिल जनाब अकबरुद्दीन अली साहब कल नदीम कॉलोनी के अंदर मेगा मेडिकल कैंप को डाले गए थे और उसके अंदर कई हज़ारों की तादाद के अंदर फ़ायदा हासिल करें। और मैं समझता हूँ इंशाल्लाह कि ड्रोन के ज़रिए काफ़ी कंट्रोल कर सकते हैं और इंटरमोलॉजिस्ट की टीम काफ़ी काम कर रही है, चाहे वो सैनिटाइज हो या मलेरिया के डोर टू डोर आकर अपने संभव के अंदर हो या दूसरी जगह पर आकर काम कर रहे हैं। मैं तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया।